इंदौर के कनाड़िया इलाके में गुरुवार सुबह हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी तरफ आ गया था। पिकअप वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और पिकअप वाहन में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर जिले के मचला गांव के नरेश मिश्रा की हत्या उसकी पत्नी उषा मिश्रा कुशवाहा ने कराई थी। महिला ने पति की हत्या के लिए प्रेमी को 2 लाख की सुपारी दी। आरोपी प्रेमी गला काटने के बाद घर में फरसा फेंक कर भाग गया था। पत्नी नरराज को छुपाने के लिए उसे धोकर घर में छुपा दिया था। खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़वानी से आ रही बर्मन बस निसरपुर की ओर जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मौके पर गिर गया। उसे 108 एम्बुलेंस से निसरपुर सामुदायिक अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। छब्बीस साल की युवती नेपाल से 6 जनवरी को कोलार आई थी। कोरोना जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया गया कि उसकी 8 जनवरी को शादी होनी थी, जो अटक गई है। ये युवती ऑस्ट्रेलिया और लड़का नीदरलैंड में नौकरी करता है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर बनकर टूटने लगा है। जबलपुर में 1 दिन में 3, ग्वालियर में 2 और विदिशा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सागर जिले में 5 स्कूलों में 19 से ज्यादा स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बच्चों के संक्रमित होने की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भेजकर स्कूलों में जांच कराई गई है। वहीं स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। एमपी में ठंड ने कपकपा दिया है। बुधवार की रात सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में शीतलहर और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड रहेगी। छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए एक बाबा ने जमकर ड्रामा किया। बाबा कभी योगा करता तो कभी लोगों को डराता रहा। पुलिस चौकी में भी योगा करने लगा। बाबा की हरकतों से मरीज और नर्सिंग स्टाफ यहां वहां भागते रहे। बमुश्किल बाबा को शांत किया गया। खंडवा में गुरुवार सुबह जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शहर के 2 बड़े कारोबारियों के 4 स्थानों पर कार्रवाई हुई है। इनमें बीड़ी कारोबारी सुंदरलाल चौधरी मल की फर्म, गोडाउन और डिटर्जेंट कारोबारी की साबुन फैक्ट्री दफ्तर पर छापा पड़ा है। पंद्रह दिन पहले खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने फिर से पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कलेक्टर से 1.25 महीने के अंदर परिसीमन कर रिपोर्ट देने को कहा है। यानी परिसीमन का काम 17 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी को खत्म होगा।